लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में पटवारी पेपर लीक हुआ है, अभियुक्त गिरफ्तार है, बेल भी हो जाएगी। लेकिन हमारा सवाल है कि जो पीसीएस परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा, उसमें तत्कालीन अनुभव अधिकारी जो रहा है वो पटवारी भर्ती घोटाले में पेपर लीक में मुख्य अभियुक्त है, और उसने जो सिलेबस तैयार किया है वह मुख्य परीक्षा सिविल्स का तैयार किया है, तो स्पष्ट है कि इसमें भी बहुत बड़ा खेल हुआ होगा। हम चाहते हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित हों, और जो हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवान जिन्होंने कई महीनों से कई सालों से परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनका चयन हो। देखिए, एक भय का वातावरण प्रदेश के युवाओं के बीच में, ये हमारे जो सबसे होनहार बच्चे जिनके माता पिता की त्याग भावना तपस्या से इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, आज जब पीसीएस का एग्जाम की बारी आती है, अन्य एग्जामों की बारी आती है, तो लोक सेवा आयोग का अति गोपन विभाग जो है पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उन्होंने पटवारी का पेपर भी लीक करा, वहाँ क्वेश्चन बैंक है जिससे सारी परीक्षाएं संचालित होती है। हमारी आशंका और उनकी युवाओं की आशंका है, जो खुद अभ्यर्थी है, कि वो क्वेश्चन बैंक लीक हो चुका है, यानी कि पीसीएस का एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज है। तो हमारी सरकार से मांग है इसको स्थगित करा जाए, और स्थगित नहीं होगा तो लोक सेवा आयोग के, मैंने कल भी बोला था, उनके जो चेयरमैन साहब हैं, आपके ऑफिस के बाहर भी और आपके घर के बाहर भी तंबू बंबू गाड़ के कांग्रेस निगरानी करेगी।